ड्रामा सीरियल मोहलत की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। माँ हमसे मिलने के लिए ईसा आता है। ईसा उसे समझाता है, माँ हम तुम जो कुछ करने जा रही हो ना वो सरासर गलत है, अपने घर को बर्बाद मत करो अपने ही हाथों से। जिसमें माँ हम कहती है, ईसा अगर यहाँ पर तुम वकालत करने आए हो ना दावे की, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मेहरबानी करो। जिस पर ईसा कहता है, मैं दावर की वकालत करने नहीं बल्कि तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम अपने पाँव पर खुद ही हथौड़ा मार रही हो, इसलिए कह रहा हूँ माहम अभी भी मौका है, दावर के पास वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जिस पर माहम कहती है, तुम होते कौन हो मुझे मेरी बेहतरी बताने वाले, मैं अपने फैसले खुद करती आई हूँ और हमेशा खुद ही करूँगी, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। जिस पर ईसा कहता है, वक्त आने पर तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी, मेरी ये बात याद रखना माहम। जिस पर माहम कहती है, अबे जाओ अपना काम करो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, दूसरों की ज़िंदगी में घुसना छोड़ दो। उधर आप लोग नेक्स्ट सीन में देखेंगे तलहत बेगम जो कि दावर को समझाती हैं, जब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों नहीं छोड़ देती उसे, क्यों उसके पीछे पड़े हो। अब वो सोच चुकी है कि उसे तुम्हारे से कोई मफाद नहीं, ना ही उसे कोई फ़ायदा होने वाला है, जो कुछ उसने तुमसे बटोरना था वो बटोर चुकी, अब तुम एक काम करो उसे खुला दे ही दो और उसे जान छुड़ाओ। जब मौका मिल रहा है ऐसी लड़की से जान छुड़ाने का, तो तुम क्यों उसको फ़ायदे से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिस पर दावर कहते हैं, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, और आप अपने बेटे को गलत मशवरे दे रही हैं, अगर मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे ख़िलाफ़ बात तो मत करें, ऐसा कुछ करने को तो मत कहें ना। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। सुपर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर, बाय बाय।